हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं केदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथमेनिया के आज के इस टॉपिक में, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसके बारे में सर, बात ही नहीं करना है सर। इतना हैवी वर्ड सब आप हमारे सामने बोलेंगे। एक तो एक्सपोनेंशियल से समझ में नहीं आता है, जहां पे ई देखे हम वहां से भागते हैं, ऊपर से डिफरेंशिएशन उसको अलग से देखने से भागते हैं। जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो उल्टा भागेंगे ना, कोई आवश्यकता नहीं है। बता रहा हूं, कतई आसान, कतई आसान है। मतलब आपको सिंपली सिर्फ इतना जानना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन माने ई रेज एक्स क्या होता है। सर ये तो जानते हैं सर, क्या होता है सर। ई रेज एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई रेज एक्स होता है। बिल्कुल सही, इतना ही तो जानना था। उसके अलावा थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। देखिए बेसिकली अभी तक तो आप जो सीखे हैं उन्हीं फॉर्मूलास के बेस करके ई रेज एक्स पे जितने भी डिफरेंशिएशन आपको करने हैं वो आराम से हो जाएंगे। और मैं आपको भरोसा लेता हूं, इसमें कोई अलग से हैवी चीज नहीं है। जितने डिफरेंशिएशन हम किए हैं उसके साथ एक सिंपल सा, क्योंकि इससे सिंपल क्या हो सकता है कि दुनिया वाले ने ई रेज एक्स के ऊपर जितना भी टॉर्चर किया, बोला कि मैं वही रहूंगा ई रेज एक्स, ये आप हो। आपको कितना भी कोई तकलीफ दुख दर्द दे दे, आप अपने में एकदम डटे रहते हो, मैं आज पबजी खेल के रहूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इरेज़ वन इरेज़ एक्स बस। अब इसके ऊपर जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा, हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, बट थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों तक एकदम उसका इमेजिनेशन पहुंच पाए। मतलब ऐसे हो कि इरेज़ एक्स आप सोचें तो गाड़ी जाते हुए दिखे, है ना। अब गाड़ी है, फ्लाइट है, क्या है, इस बारे में भी देखिए बात करते हैं। अब मान लीजिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक्स और वाई, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एकदम बेसिक एग्जांपल में लेता हूं आपके लिए, ठीक है। बेसिक एग्जांपल में लेता हूं, लेट्स से वाई इक्वल्स टू टू रेज एक्स, एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखिए, जब मुझे इसका ग्राफ मुझे मुझे इसमें प्लॉट करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे इसमें फंक्शन में, मुझे इनके वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, बिल्कुल सर। अब देखिए लेट्स से यहां पे मैंने वैल्यू के लिए ये वाला बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये मेरे लिए एक्स, ये मेरे लिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है सर, एफ ऑफ एक्स है वाई, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं एक्स को जीरो लेता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब टू रेज कितना, टू रेज जीरो सर, टू रेज जीरो कितना सर, वन आता है। ओके वेरी गुड, बहुत सही। अगर मैं एक्स को वन लिया, एक्स को मैंने वन लिया तो टू रेज एक्स कितना आएगा सर, टू रेज एक्स आएगा टू, बिल्कुल सही। अगर मैं एक्स को टू लिया तो कितना आएगा सर, टू रेज टू आएगा फोर, बिल्कुल सही जवाब, हाँ जी बिल्कुल। इस हिसाब से चलता रहेगा। तो क्या मैं एक दफे इसमें देखिए, ये वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या मैं इस ग्राफ में एक दफे अगर आपकी ज्यादा तो पुट कर दे, बिल्कुल सर। सर देखिए सर, आप कहना चाहते हैं कि जीरो एक्स के वैल्यू में, ये एक्स का वैल्यू जीरो है, इसमें आउटपुट कितना आ रहा है सर, यहाँ पे ये वाला जीरो का वैल्यू ये वन है, जीरो के वैल्यू में सर आउटपुट कितना आ रहा है सर, आउटपुट वन आ रहा है, मतलब आउटपुट वाई में वन आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई में वन आ रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल। ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, जीरो वन का पॉइंट है, क्लियर है, इतना सही है। ओके सर, सर अगर एक्स वन हुआ मतलब एक एक्स यहाँ पे वन हुआ तो वाई का वैल्यू सर टू है, मतलब वाई का वैल्यू यहां पे देखिए टू आ रहा है, इतना क्लियर है ये वाला वैल्यू, हाँ सर। देखिए एक्स का वैल्यू टू हो तो वाई फोर है, अच्छा टू हुआ तो यहां पे देखिए ये वन था, इसका डबल चला गया टू, जब टू हुआ उसका डबल चला गया टू के सामने फोर, मतलब सीधा बढ़ रहा है, मतलब डबल डबल स्पीड में बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं थ्री लिया तो उसका डबल जाएगा क्या, हाँ सर देखिए ना, यहां पे मैं थ्री लिया तो ये टू रेस थ्री एट हो जाएगा, अच्छा मतलब इतना काफी डबल यहां पे, यहां पे कुछ ये। अगर
अगर मैं 5 का ड्रॉ किया तो मुझे छक में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि इस तरह से कुछ यहां तक तो आ चुका है, इस सब का क्या सीन है सर? सर अगर मैं यहां पे ये वाला वैल्यू नेगेटिव लेता हूं, इसका वैल्यू देखिए x एक्सिस से, ये x एक्सिस का वैल्यू यहां पे 0 है, अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो सीन क्या है सर? देखते हैं। अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लेता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे करता हूं एक बार नेगेटिव वाला, देखिए x का वैल्यू मान लीजिए मैं नेगेटिव 1 लिया, तो y मैंने f ऑफ x 2 रेज x है f ऑफ x, तो 2 रेज माइनस 1 कितना आएगा सर? 2 रेज माइनस 1 तो 2 रेज माइनस 1 आएगा, लेकिन 2 रेज माइनस 1 को दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में यह खबर है कि जहां पे 2 रेज माइनस 1 है उसको आप उल्टा, है ना, कुछ मीन था ना ऐसे कुछ, कुछ बदल गई, आई डोंट रिमेम्बर, 1/2, अच्छा तो माइनस 1 एक्स के वैल्यू में वाई का वैल्यू आएगा 1/2, मतलब 1/2 मतलब कुछ यहां पे इस तरह से, है ना, ये वाला चीज इतना क्लियर है। अच्छा सर यहाँ पे माइनस 2 हुआ, तो सर देखिए 2 रेज माइनस 2 दैट इज 1/2 रेज 2, है ना, यानी कितना सर? सर 1/4, मतलब ये जो यहां तक 1 था ये 1/2 था, अब 1/4 कुछ यहां पे आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है? लेकिन आप सोचिए बच्चों मेरे, आप इन ऑर्डर टू टच दिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करने के लिए मेयर रिक्वायरमेंट क्या ये नहीं है कि ये टच तभी करेगा जब एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए जो हमें नहीं पता, एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए जो हमें नहीं पता वाई 0 होगा, मतलब एक्स मान लीजिए एक्स 7 है फॉर एग्जाम्पल, -7 फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए, तो -7 के लिए अगर वाई 0 होता हो तो इस जगह पे वो क्या करेगा, टच करेगा या क्रॉस करेगा। बट क्या आप सोचिए कि 2 के पावर में कोई भी वैल्यू आप पुट करें क्या वो 0 होगा कभी? कुछ भी वैल्यू, मतलब 2 के पावर में आप कोई भी दुनिया का वैल्यू पुट करें वो 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के वैल्यू के किसी भी वैल्यू के लिए वाई एक्सिस का आउटपुट 0 नहीं होगा, और अगर वो 0 नहीं होगा तो वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को तभी टच करता है जब वाई 0 होता है। देखिए वाई ये तो 1 होता है, -1 होता है इधर, लेकिन 0 होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो क्या ऐसा कोई भी वैल्यू है जिसकी वजह से आउटपुट 0 होगा? नहीं सर, इसका मतलब ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो अगर मैं यहां से धीरे से एक लाइन ड्रॉ करूं फ्री हैंड में तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। मतलब सर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि यहां पे ये यहां पे मेरा एरोप्लेन है, ये इधर रनवे में गया 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 और सीधा टेक ऑफ। है ना, तो बेसिकली सर आपको आपका ऐसा मानना है कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये रनवे का टेक ऑफ जैसा होता है सर ग्राफ? बिल्कुल सर, मेरा यही तो मानना है, यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। तो बेसिकली सर आप ये खाली 2 रेज एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई वैल्यू जब मान लीजिए 3 रेज एक्स का तो क्या होगा, सीन क्या होगा सर? सर देखिए 3 रेज एक्स होगा तो भी ग्राफ इसी प्रकार होगा, बट थोड़ा बहुत जैसे शिफ्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 3 रेज 0 मतलब 1 होता है, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई जब आप लेंगे 0 के केस में 1, तो ये 3 मतलब बेसिकली 0 हुआ तो ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब इसको तो टच करके जाएगा ही जाएगा। अब किसी का भी मत्थे 0 बिठाओ वो तो 1 ही आएगा ना, यानी x के 0 के वैल्यू के लिए y आउटपुट 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 1 ले लूं तो 3 मतलब यहां पे देखिए 3 रेज x का वैल्यू 1 के लिए आउटपुट आएगा 3 रेज 1 दैट इज 3, मतलब ये जो 2 आ रहा है इसकी जगह 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा, और यहां पे जैसे 2 में यहां पे पुट किया तो आउटपुट कितना आएगा, 3 रेस 2 मतलब 9, मतलब कुछ बहुत ऊपर आएगा, मतलब एकदम। अभी मैं सीरी वीडियो लेके आऊंगा, मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे ये वाला ऐसे ही आएगा लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरफ क्या श्रिंक हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये इस तरफ श्रिंक होगा, मतलब बेसिकली यहां पे बीच में से कहीं पे जगह निकल के वो निकल लेगा, समझ पा रहे? लेकिन जो ग्राफ का जो शेप है मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसे ही रहेगा, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो बेसिकली आप कोई भी वैल्यू लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या हम इसके अभी कुछ डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन कर लें? बिल्कुल सर कर लेते हैं। ओके देखिए, जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो जैसे कि वाई इक्वल्स टू ई रेज एक्स, एकदम सिंपल
एकदम सिंपल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम सिंपल, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप करके जाऊंगा सर, एकदम आप बोर हो जाएंगे तब तक कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, बोर तो नहीं, बोर नहीं होने देंगे। अब देखिए, dy by dx equals to differentiation of e raise x, which is e raise x, बिल्कुल सही। लेकिन क्या हो कि आपको मैं सोचने के लिए बोलूं कि सर एक्चुअली मेरे डिफरेंशिएशन ऑफ e raise x जो है ना, वो एक्चुअली e raise x, मतलब यहां पे फाइनल आंसर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि इसके बाद एक डी डिफरेंशिएशन ऑफ x भी आया है जो हमें लिखा नहीं गया, वो वहां पे घोस्ट है, मतलब वो दिखता नहीं हमको वहां पे। क्यों सर? क्योंकि ये e raise x के मथे चढ़ा है ना, x इसके मथे, तो e raise x का डिफरेंशिएशन तो e raise x होगा ही, बट उसके अलावा एक डिफरेंशिएशन ऑफ x भी होगा, समझ पा रहे हैं? जो कि आउटपुट देगा 1, जिसके लिए हमें 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम यहां पे ऐसा कर दें, e raise x equal to 1, that is nothing but e raise x, बोलो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छा, तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर मैं e raise minus x कर दूं तो देखिए, देखने वाले ने देख लिया होगा अपनी मन की आंखों से, सर क्या देखा मन की आंखों से हमें भी बताइए। यहां पे देखिए e raise minus x है, हां सर, तो यहां पे e raise minus x का e raise minus x, अरे जब e raise x का e raise x हो सकता है तो e raise minus x का e raise minus x क्यों नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, लिखते हैं, बोलो सही है सर, सही है, e raise x minus x। लेकिन सर आपने अभी बोला, हमें ये याद है कि ये x के मथे जब चढ़ा था, जब x के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई देख तू मथे चढ़ा है, तेरा भी डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस एक्स क्यों बचेगा, माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। हाँ सर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, उसके बाद e raise x minus x into minus x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव 1, मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e raise minus x के साथ। तो फाइनल आंसर क्या देगा सर, माइनस e, मतलब माइनस 1 लिखने की आवश्यकता है सर, क्या बेकार में लिखने स्पेस खराब कर रहे हैं, ये देखिए माइनस e raise minus x, बोलो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या सर आप थोड़ा इस सब क्या मजा ले रहे हैं यहाँ पे, छोटा छोटा क्वेश्चन कर कुछ आगे बढ़िए, और हम अभी 12th में उस बात पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल देंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन सर एक साथ जंप नहीं मारेंगे बच्चों, ये हाई जंप कंपटीशन तो है नहीं, मैथ का क्वेश्चन करना है, हॉले हॉले जाना है, देखिए ध्यान से। उसके बाद y इक्वल टू e raise x का स्क्वायर, अच्छा सर मैं बताता हूं, सर मैं बताता हूं, बताइए सर, देखिए क्या होगा कि आप जब dy बाई dx करेंगे तो बेसिकली आप डिफरेंशिएट करेंगे e raise x square का सर, लेकिन सर जब e raise x square का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप उसको लिख देंगे e raise x square, क्योंकि जैसे सर e raise x का e raise x होता है, e raise x square का e raise x square का, बोलो सही है, सही है। लेकिन सर क्योंकि यहां पे एक x स्क्वायर है, इस वजह से हम एक x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, e raise x स्क्वायर into 2x, हाँ सर बिल्कुल। तो फाइनल आंसर क्या है सर, 2x e raise x स्क्वायर, गजब गजब ढार है बच्चों, आपको गजब ढार, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी याद नहीं लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या हो सर कि सर ये e raise x square नहीं होके, सर थोड़ा मैं इसको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं सर, e raise tan inverse x, अब बताइए कैसा होगा, अरे सर वैसे ही होगा जैसे हो रहा था, कैसे होगा सर, कैसे हो रहा था सर, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e raise tan inverse x, ठीक है। उसके बाद सर e raise tan inverse x का तो मैं बताता हूं सर, e raise tan inverse का मैं बताता हूं, उसका क्या आप कीजिएगा सर, e raise tan inverse x का होगा e raise tan inverse x, बिल्कुल सही, इसका मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा e raise tan inverse x, लेकिन उसके बाद सर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan inverse x, tan inverse x सर कुछ याद नहीं है देखिए tan inverse x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/1 + x², ये मैंने आपको बोला था, ये याद रखना, कुछ बच्चे याद रखे हैं मुझे पता है, कुछ बच्चे याद नहीं रखे हैं, याद कीजिए, दया पूर्वक याद कर लीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं मैं। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा e raise tan inverse x into 1/1 + x² और या तो इसको जंप करके इसको ऊपर बिठा दीजिए, लिखिए सर e raise tan inverse x divided by 1 + x², बोलो सही है, हाँ सर सही है, बिल्कुल सर मजा आ रहा है। अब आगे बढ़ते चलिए सर, सर आप आगे बढ़ते चलिए, हम पीछे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं बच्चों आगे आपको बढ़ना है, मैं सपोर्ट करूंगा पीछे, आप आगे बढ़ना है। चलिए सर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो, बिल्कुल सर, सर क्या हो
कि y इक्वल्स टू ई रेज साइन इनवर्स x हो। सर अभी तो की है सर जैसा टैन इनवर्स x की, बिल्कुल क्या आंसर होगा सर ई रेज साइन इनवर्स x इंटू वन अपॉन यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। और इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये तो ए रेज साइन इनवर्स x है ही इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो इसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं ई रेज साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ सर। सर अगर क्या हो दो चार चीजें ऐड कर दीजिए। क्या सर क्या ऐड करना है? सर जैसे कि मान लीजिए y इक्वल्स टू ई रेज एक्स है, सर ई रेज एक्स स्क्वायर है, सर ई रेज एक्स क्यूब है, सर ई रेज एक्स रेज फोर है, ई रेज एक्स रेज फाइव है। बस 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 बोर्ड के आगे निकल लेंगे क्या? अब देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली डी वाई डी एक्स ऑफ ये दुनिया, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ये पूरे का पूरा खानदान और वाई चुपचाप बाहर। तो खानदान का सबसे छोटा बेटा कौन? ई रेज एक्स। तो जब डिफरेंशिएशन ऑफ आप ई रेज एक्स करेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज एक्स स्क्वायर करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज एक्स क्यूब ई रेज एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज एक्स रेज फोर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज एक्स रेज फाइव। बोलो सही है? हाँ सर सही है। तो सर देखिए ई रेज एक्स का डिफरेंशिएशन है ई रेज एक्स प्लस ई रेज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में सर एक तो आपने बोला था ई रेज एक्स स्क्वायर का ई रेज एक्स स्क्वायर लिख देना है बट फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखना है ना। तो क्या मैं यहां पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? टू एक्स। तो क्या मैं यहां पे टू एक्स लिख दूं? इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस सर ई रेज एक्स क्यूब का ई रेज एक्स रेज क्यूब तो लिखना है लेकिन उसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? सर थ्री एक्स स्क्वायर होगा। तो मैं लिख दूं इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? प्लस ई रेज एक्स रेज फोर है तो देखिए ई रेज एक्स रेज फोर का तो वही होगा बट उसके अलावा एक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज फोर होगा। तो ये इसको नहीं लिखे। अच्छा देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं लेकिन आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखना बेहतर रहेगा। एक स्टेप पे लिखने से कोई इश्यू नहीं है बट हो सकता है कि स्टेप मार्किंग में कहीं आपके मार्क कट जाए इस वजह से उसको अवॉइड कीजिएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज फोर है तो उसको आप नेक्स्ट स्टेप में फोर एक्स क्यूब लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? उसी तरह यहां पे ई रेज एक्स रेज फाइव है और यहां पे फाइव टाइम्स एक्स रेज फोर लिख सकते हैं और ये पूरा का पूरा हमारा फाइनल आंसर है। पूरा खानदान का डिफरेंशिएशन हमने करके छोड़ दिया। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े? बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों हमारे पास दो प्यारा प्यारा सवाल है कि हम अब क्या करेंगे। दो सवाल है, एक है हमारे पास ई रेज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और एक है अंडर रूट ई रेज रूट एक्स। ठीक है देखते हैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये तो सर देखिए देखने वालों ने इसको ऐसे नहीं देखा ना, ऐसे नहीं देखा। कैसे देखा सर? सर उसने यू बाय वी देखा होगा। सोचिए ऐसे देखते ही उसके मन में एक आवाज आई। मन की आवाज आई सर यू बाय वी यू बाय वी यू बाय वी। तो यू बाय वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? यू डैश वी माइनस वी डैश यू बाय वी स्क्वायर। बोलो सही है? हाँ सर ये तो हमें याद था। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा? ये यू है तो यू डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज एक्स भी मतलब आज किसकी बारी? आज ई रेज एक्स की बारी। कौन खाली बैठेगा? सर साइन एक्स खाली बैठेगा। तो बोल सर बाहर बिठा दो साइन एक्स को लेकिन ई रेज एक्स बोलता है सर अपना भी टाइम आएगा। कौन खाली बैठेगा उस दिन? ई रेज एक्स खाली बैठेगा। और कौन फंसेगा? सर साइन एक्स फंसेगा। उसका भी डिफरेंशिएशन होगा आंसर होगा लेकिन सर नीचे किसका स्क्वायर होएगा? सर साइन एक्स का स्क्वायर होएगा क्योंकि नीचे होता है वी स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। अच्छा तो ई रेज एक्स तो बेचारा बोले कि देखो दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है करो निकल लो। ई रेज एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज एक्स और साइन एक्स वैसे साइन एक्स बच जाएगा तो ये ई रेज एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स। तो ये हो गया ई रेज एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बोलो सही है? आंसर। तो क्या ये डिफरेंशिएशन सही है? आंसर। तो सर क्या इसके बारे में बात करें? ओके सर। सर क्या आपको याद है
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। सर याद तो था सर, कुछ होता है कुछ कुछ सर कुछ क्या होता है सर? सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। हाँ 1/2 रूट एक्स, अभी याद आया, बिल्कुल ऐसे ही याद आता है। अब देखिए रूट ओवर ऑफ ई रेज रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स जैसे है, तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ई रेज रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। देखिए जब यहां पे रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स का मान्य है, मतलब उसका मतलब है रूट ओवर ऑफ इसका खानदान इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर पूरा खानदान रूट के आ जाएगा। तो वहां पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ई रेज रूट एक्स का मतलब है कि इसका पूरा खानदान उठ के नीचे, मतलब ये हो जाएगा 1/2 रूट ई रेज रूट एक्स। लेकिन मानने वाले ने नहीं माना, डिफरेंशिएशन करने वाले ने बोला कि नहीं एक एक करके डिफरेंशिएट करूंगा, एक एक का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो क्या किया डिफरेंशिएशन करने वाले ने, फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दिया ई रेज रूट एक्स का। लेकिन ई रेज रूट एक्स वाला सर मेरा कोई इशू नहीं है, आप ई रेज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा, ई रेज रूट एक्स ही मिलेगा। तो हमने यहां पे क्या किया, एक तो यहां पे था कौन था ई रेज रूट एक्स 1/2 में इंटू ई रेज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सर ई रेज रूट एक्स। लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन करने वाले ने नहीं माना, बोला कि पूरे खानदान का करूंगा, आखिरी बच्चे तक करूंगा मैं डिफरेंशिएशन, उसका भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो यहां पे रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि रूट एक्स फिर इसके मध्य बैठा है ना, तो ये फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब फाइनली क्या हो जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहां पे देखिए 1/2 रूट एक्स मतलब किसका, इसका इंटू 1/2 रूट ई रेज रूट एक्स इंटू ई रेज रूट एक्स। क्या आप तक ये बात पहुंच पाई, इसको लिखने वाले ने क्या लिख दिया होगा अगर आपको ध्यान है तो सर, इसमें 1/2 देखिए ई रेज रूट एक्स ऊपर है तो ई रेज रूट एक्स डिवाइडेड बाय ये तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और रूट ओवर के अंदर एक्स भी है और ई रेज रूट एक्स भी है, तो एक्स ई रेज रूट एक्स। अच्छा सर दिखने में तो थोड़ा इधर उधर दिख रहा है, बट ठीक है काम चला लेंगे, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सही। तो एक और एक बस लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ओके मेरे बच्चों देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना कतई क्यूट क्वेश्चन है। देखिए मुझे पता है कि आपके दिमाग में कॉन्ट्रेडिक्टरी फैक्ट्स आ रहे होंगे, सर क्यूट बोल बोल के हमें फंसा रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए कितना मतलब कितना सही एकदम फ्लो में, ऐसे वाटर स्लाइडर होता है ना ऐसे ऊपर बैठ के आपको पता नहीं चलता कि फ्लो फ्लो में कहां निकल गए, 2-4 बार तो ऐसे बाहर निकल लेते हैं, वैसे ही होगा इसके साथ। देखिए यहां पे देखिए जब आप डीवाई पे डीएक्स करेंगे तो किसका साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स का करेंगे, तो सरकार ने क्या बोला था जब भी साइन थीटा लिखे उसका डिफरेंशिएशन होएगा कॉस थीटा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन है ठीक है ना, पता चला साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, आप लोग सोच लेना। अब देखिए साइन दुनिया का डिफरेंशिएशन कॉस दुनिया, तो क्या मैं लिख दू इसको सर कॉस दुनिया, बोलो सही है? हाँ सर सही है। फिर लेकिन डिफरेंशिएशन करने वाले ने खोज खोज के डिफरेंशिएशन किया होगा, तो अब उसके अंदर जो बैठा है पूरा का पूरा इधर, बोले कि नहीं बेटा तेरा भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते, बोले ठीक है। तो अब देखिए ये बाहर बैठ गया आराम से ये मस्त, यहां पे टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो देखिए ये तो मैं इसको पहले लिख देता हूं कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स थीटा का क्या होता है सर, टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x², मतलब टेन इनवर्स जो होता है 1/1 + वो का स्क्वायर होता है। हाँ सर यहां पे टेन इनवर्स जो है वहां पे 1/1 + उसका स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सही बोले सर। अब क्या होगा डिफरेंशिएट करने वाले ने फिर भी नहीं छोड़ा, बोला कि आखिरी इंसान तक डिफरेंशिएट करूंगा आखिरी तक। तो यहां पे ये दोनों बाहर संबात ले रहे हैं और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा ई रेज माइनस एक्स का, बोलो सही है? हाँ सर सही है। फिर देखने वाले ने देख लिया कि ई रेज माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, देखिए ये वाला माइनस ई रेज माइनस एक्स है ना, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है सर कॉस टेन टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और यहां पे देखिए नीचे कौन है, 1 plus e raised minus 2x, क्या आपको ये समझ में आया, इतना क्लियर है। देखिए माइनस एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस ई, ये वाला देखिए e raised माइनस, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e raised माइनस एक्स, और ये तो अपने जो बाहर बैठे थे हमारे हुकुम cos ऑफ tan इनवर्स e raised माइनस एक्स, तो वह है गए फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो प्लीज एक बार जो भी क्वेश्चंस में यहाँ पे करा है उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई भी इशू हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।